दमोह जिले के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई परिहार को सीएए का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया। मोदी की तारीफ के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने रामबाई को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने रामबाई के निलंबन को गलत बताया है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद रामबाई ने इस मसले पर मायावती से माफी मांग ली है। बीएसपी की तेज तर्रार विधायक रामबाई ने सीए का समर्थन करते हुए कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल और अमित शाह को धन्यवाद देती हूं जो उन्होंने ये निर्णय लिया। ये निर्णय तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया, मैं और मेरा परिवार उनका समर्थन करता है। इसके बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि बसपा अनुशासित पार्टी है, वह इसे तोड़ने पर पार्टी के सांसद और विधायक आदि के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई परिहार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने पर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि बसपा ने सबसे पहले सीए को विभाजनकारी व असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया था। संसद में भी इसके विरुद्ध वोट दिया था। इसकी वापसी को भी लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, फिर भी विधायक ने सीए का समर्थन किया। पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतावनी दी जा चुकी है। अब सुन लीजिए रामबाई ने ऐसा क्या कहा था जिससे मायावती भड़क गईं। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद देती हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। और ये निर्णय तो बहुत पहले हो जाने चाहिए था, पर पहले कोई सक्षम ही नहीं था निर्णय लेने में। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नागरिकता जो संशोधन बिल उन्होंने पास किया है, मैं बिल्कुल पूरा परिवार मेरा उसका समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि पथरिया विधायक रामबाई इसके पहले भी सरकारी कर्मचारियों के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बसपा से विधायक होने की वजह से वे कमलनाथ सरकार का समर्थन भी करती रही हैं। पहले भी पार्टी द्वारा उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन पार्टी लाइन से लगातार हटकर चलने की वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रामबाई के निलंबन पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रामबाई ने राष्ट्रहित की बात की है। रामबाई बहन का मैं समर्थन करता हूं, उन्होंने राष्ट्रहित को पार्टी से ऊपर माना, उनके निलंबन की कार्रवाई को मैं उचित नहीं मानता। रामबाई ने राष्ट्रहित की बात की, संविधान का समर्थन किया, सीसीए कानून जो आज संविधान का दर्जा प्राप्त कर चुका है उसके समर्थन की अगर उसे सजा मिलती है तो मुझे ऐसी पार्टी पर तरस आता है, उसकी विचारधारा पर तरस आता है। मैं मानता हूं कि पार्टी से ऊपर देश होता है, राष्ट्र होता है। बहन मायावती जी ने उनके निलंबन की जो कार्रवाई की है मैं उसे उचित नहीं मानता। रामबाई बहन का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रहित को पार्टी से ऊपर माना। अपने निलंबन के बाद रामबाई ने कहा कि उनकी पूरी आस्था पार्टी सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी में है, वो पार्टी से इतर हटके कुछ भी नहीं कर सकती हैं। रामबाई ने कहा कि पहले भी उनसे कई बार कुछ गलतियां हुई हैं और हमेशा उन्हें बहन मायावती ने माफ़ किया है। और उनका कहना था कि बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो बड़े लोग माफ़ कर देते हैं, और मायावती को कहीं बुरा लगा है या ऐसा उनको लगता है कुछ गलत हुआ है तो रामबाई ने अपने कहे के लिए माफ़ी मांगी है और अपने शब्दों को वापस लिया है। सुनिए रामबाई का निलंबन के बाद क्या कहना है। देखिए बहन जी ने जो मीडिया में देखा है और जो मीडिया ने मेरे टोर मरोड़ के जो छापा है और जो दिखाया है वो वैसा नहीं है। मैं पार्टी की विचारधारा मेरे नस नस में भरी है और मैं बहन जी के साथ आखिरी सांस तक हूँ, चाहे वो निकालें कुछ भी कहें, मैं उनके समर्थन में थी और पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। और मुझे जानकारी नहीं थी जो आप लोग मतलब के अगर ऐसा कुछ हो जाएगा मैं बहन जी से हट के कभी नहीं रह सकती। और अगर लगता है उनको कि मैंने उनका विरोध किया है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। अब देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात बोल रही, क्या कोई बच्चे गलती कर देते तो माँ बाप बाहर तो नहीं निकालती, तो वो मेरे माँ बाप के समान है और मैं गलती कर कई बार मैंने गलती की, उन्होंने मुझे माफ़ किया है और इस बार भी कर देंगे, मैं उनके साथ थी उनके साथ हूँ।
इधर के लोगों के लिए, इधर के जो लोग हैं उनके लिए तो नागरिकता है ही। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि जो बाहर के आतंकवादी आते हैं अपने देश में और इधर स्थापित हो जाते हैं और आतंक मचाते हैं तो उनको इधर से भगाने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कोई इधर के लोगों के खिलाफ के हिंदू या मुस्लिम नहीं। मैं तो पहले मानवता और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं मानती हूँ, तो मैंने सिर्फ आतंकवादियों के प्रति ये बात रखी थी कि वो और ऐसा कुछ नहीं है कि जो संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।